बात जब टिकट और उम्मीदवारी की चल रही है तो रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ से उम्मीदवार बनाया। गोविल ने प्रचार की शुरुआत भी कर दी। गोविल जहां भी जाते हैं लोग उन्हें राम ही मान लेते हैं। मेरठ से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीजेपी को संकेतों की सियासत में महारत हासिल है, इसीलिए बीजेपी ने मेरठ में रामायण सीरियल में श्रीराम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल को सियासी समर में उतार दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और वो बदलाव बीजेपी ने किया है। मेरठ से अपने 3 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं, उनका टिकट काटकर उनकी जगह उस चेहरे को उतारा मैदान में सियासी समर में, जिनकी पहचान 80 के दशक में रामानंद सागर के सीरियल रामायण में बतौर श्रीराम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट देकर के। और अरुण गोविल पहली बार किसी सियासी मंच पर हालांकि 80 के दशक में देखे गए थे, लेकिन तब वो चुनाव प्रचार का रूप था, लेकिन आज वो खुद बतौर उम्मीदवार पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से उम्मीदवार हैं। खास बात है कि अरुण गोविल का जन्मस्थान भी मेरठ है, उनका बचपन यहीं बीता और अब वो लोगों से दिल्ली में पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक लगवाने की अपील कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बतौर बीजेपी प्रत्याशी पहली बार मेरठ पहुंचे अरुण गोविल, जैसे ही संबोधन के लिए मंच की ओर बढ़े वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। अरुण गोविल बोले, श्री राम के किरदार के लिए लोगों ने जितना प्यार दिया उसके लिए ताउम्र आभारी रहूंगा। उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया। रामायण में जो मुझे स्नेह दिया, जो दुलार दिया, जो इज्जत दी, जो सम्मान दिया, उसने आज मुझे यहाँ अपने जन्म स्थान पर वापस पहुंचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबको इसके लिए। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पहले भी जब कभी अयोध्या जाने का मौका मिला तो लखनऊ भी जाते थे तो लगता था कि चलो अयोध्या होकर आते हैं, लेकिन अयोध्या में जाने के बाद मन दुखी होता था। वापस आते समय लगता था कि क्यों गए हम, वहां तो मंदिर है नहीं, अभी रामलला है ही नहीं वहां। अभी पहली बार ऐसा लगा, ये हमें यकीन नहीं था कि हम अपने जीवन काल में ये पल जी पाएंगे, ये पल देख पाएंगे जो इस साल 22 जनवरी को हमने जिया और देखा। बीजेपी ने 3 बार से लगातार मेरठ में कमल खिलाने वाले अपने सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को मौका दिया है। आज तक से बातचीत में राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि वो अरुण गोविल को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप चुनावी राजनीति से जब बाहर हो गए तो अब आपकी भूमिका क्या होगी? अरुण गोविल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चुनाव प्रचार में उतरेंगे या उन्हें सब कुछ अपने दम पर करना होगा? नहीं, उनको बिल्कुल पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर जैसी आवश्यकता होगी। देखिए, हमारे यहाँ प्रत्याशी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, परंतु संगठन ही चुनाव का संचालन करता है। तो जो भूमिका मुझको देंगे, कल अरुण गोविल जी मेरठ में आए, हम लोग उसी ढंग से हमने उनका स्वागत किया, उनको बधाई दी। तो जिस प्रकार की रचना या योजना संगठन के द्वारा बनाई जाएगी उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हमारा लक्ष्य यह है कि हम मेरठ जीते और आसपास की सीटों के ऊपर भी उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो लोकप्रियता है, उसका उपयोग करते हुए भाजपा को जीत दिलाए। मेरठ की आबादी करीब 35 लाख है, इनमें 65% हिंदू और 35% मुस्लिम आबादी है। मेरठ को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कभी क्राइम के लिए कुख्यात रहे मेरठ में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त विकास हुआ है। बीजेपी को भरोसा है कि राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी के पक्ष में बने माहौल का फायदा मेरठ समेत कई सीटों पर मिलेगा।
इसमें कोई शक नहीं है कि बीते 3 दशक में पश्चिम उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, तो उसकी झांकी आपको मेरठ में भी दिखाई पड़ती है। कभी क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता था, दंगे फसाद की चपेट में होता था, तो अब मेरठ की तस्वीर दरअसल विकास के एक केंद्र के रूप में देखी जा सकती है। राजधानी से बढ़ती इसकी कनेक्टिविटी, बेहतर सड़कें, रैपिड रेल कॉरिडोर और पूरा का पूरा आर्थिक ढांचा जिस तरीके से बदला है, जाहिर है उसका फायदा बीजेपी कहीं ना कहीं इसको चुनावों में जरूर उठाने की कोशिश करेगी। हालांकि अरुण गोविल की एंट्री से कुछ स्थानीय नेता और कार्यकर्ता नाखुश बताए जा रहे हैं। उनके मुताबिक बीजेपी किसी स्थानीय नेता को टिकट देती तो बेहतर नतीजे आते, लेकिन ज्यादातर कार्यकर्ता अरुण गोविल के आने से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा, मेरठ आज तक।